हेलो स्टूडेंट दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर लास्ट पॉइंट जहां पे आपको छोड़ा गया था आप अच्छे से देखें वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपको भी पता है कि जस्ट इंट्रास्टीलर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है ये पूरा कंप्लीट जो है मैं आपको विद इन वन मिनट आपको रिवाइज करवा रहा हूं आप देख लें ताकि आपको कॉर कैम्बियम से होने वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ईजिली समझ आ जाए Chicken. आप अच्छे से एनालाइज करें इसको कि स्टार्टिंग के अंदर आपको एंडोडर्मल जो सेल आपको बताई थी इन एंडोडर्मल सेल के अंदर इनर का जो पार्ट है वो इंट्रास्टिलर पार्ट यहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ बताई थी जिसके अंदर पूरा कंप्लीट एक रिंग की फॉर्मेशन होती है और इस रिंग के आउटर साइड के अंदर फ्लोएम और रिंग की इनर साइड के अंदर जाइलम की फॉर्मेशन होती है और जो पहले से जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है जो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम क्या होते हैं प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ और प्राइमरी जाइलम इसकी पित की तरफ फर्दर क्या होते हैं मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम तो ये जनरल आपसे डिस्कस हुआ था अब एक स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो होती हैं, वो कैसे फॉर्म होती हैं? वो मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट और आप अच्छे से देखें क्या है कि जो डिवीज़न है यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनके डिवीज़न आपको जो है अच्छे से देखने हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती है, है? ये डायग्राम आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से देख लें आप ये पूरा कंप्लीट किसको डिनोट कर रहा है वेस्कुलर कैम्बियम को डिनोट करता है यहाँ पे प्रेजेंट ये क्या है इसका एंडोडर एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड के अंदर प्रेजेंट है वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर इनर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है जाइलम की आउटर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है फ्लोएम की एक रफ आइडिया आपको मिल गया है एक रफ आइडिया आपको मिला है अब इस, इसके थ्रू जब अपने आगे प्रोसीड करते हैं तो डिवीजन किस टाइप से होंगे ये वेस्कुलर कैम्बियम जो आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू द ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ नंबर ऑफ पैन क्लाइमेटर सेल्स जो यहाँ पे मेडुलरी रेज की प्रेजेंट थी पूरी कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बिम की फॉर्मेशन करती है उसमें नंबर ऑफ सेल्स इनर साइड में और आउटर साइड के अंदर आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो है इनर साइड के अंदर और आउटर साइड के अंदर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है इनमें डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं वो डिवीजन होते किस टाइप के हैं वो डिवीजन यहाँ पे शो किए हुए हैं आप देखें ये पूरा कंप्लीट किसको डिनोट कर रहा है ये पूरा कंप्लीट डिनोट कर रहा है इसकी वेस्कुलर कैम्बियम को और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर यहां पे प्रेजेंट जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर डिवीजन

मान लीजिए एक स्टेम है स्टेम में यहां पर तो आपको वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रही है इसकी अपर साइड के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कहां से होगी जो ये कट आपको देखने को मिल रहे हैं इन कट के थ्रू इसके अपर और लोअर साइड के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी वैसे ही धीरे 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 धीरे, धीरे, धीरे वेस्कुलर कैम्बियम अपर साइड के अंदर और सेकेंडरी ग्रोथ लोअर साइड के अंदर बहुत इजिली विजुअलाइज हो सकती है और अपर साइड के अंदर जो न्यूली डेवलप यंग स्टेम है यहाँ पे आपको ईजिली विजुअलाइज नहीं होती क्यों क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम स्टिल अभी फॉर्म नहीं हुआ है तो पता होना चाहिए विथ के अंदर जो इंक्रीज होता है आपको एक ट्री के अंदर देखने को मिलता है वो किस वजह से है वो सेल्स के इस टाइप के डिवीजन की वजह से है चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम आपको पैरिक्लेनल डिवीजन आपको देखने को मिले रेडियल हो या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन आपको ट्रांसवर्स जो है एंटीक्लैनल डिवीजन आपको देखने को मिले इन तीन तरीके से जो है ये सेल्स डिवाइड होती हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको और होती भी यहाँ पे टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होती है एक रे इनिशियल होती है जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होती हैं लाइक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स उनके अंदर आपको जनरली जो डिवीजन देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं पैरिक्लेनियल डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं और जो रे इनिशियल होती है उनमें दोनों तरीके के आपको देखने को मिलते हैं डिवीजन ताकि वो किसकी फॉर्मेशन कर सके जाइलम रेज या फ्लोइम रेज या फिर मेडुलरी रेज जिनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोला जाता है उनकी फॉर्मेशन कर सके एक डायग्राम और आप अच्छे से एनालाइज करें जिसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी ये देखिए ये पूरा कंप्लीट क्या है वेस्कुलर कैम्बियम को डिनोट कर रहे हैं और कट इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट सेल के अंदर इस तरीके से कट लगता है तो एक सेल इनर साइड में एक सेल आउटर साइड के अंदर और यहां पर देखिए आप Uh, जो कट लग रहा है वो किस टाइप का है टू सरफेस टू द स्टेम और रूट रूट एंड स्टेम दोनों के अंदर चाहे वो डाइकोट रूट uh, हो या फिर डाइकोट शूट हो उसमें इस तरीके से अगर कट लगता है तो एक सेल इसकी राइट हैंड साइड में एक सेल इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है ये सेल्स किसकी फॉर्मेशन करती हैं ये सेल्स केम्बियल सेल्स की फॉर्मेशन करती है बट यहाँ पर जो कैम्बियल सेल्स जो uh, की यहाँ जो फॉर्मेशन होती है वो या तो जाइलम की फॉर्मेशन होगी या फ्लोएम की और एक उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा कैम्बियल सेल्स ये तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां पर डिवीजन से इस विकास कट लग रहा है तो दो सेल बन रही है इनर साइड में एक तो में या तो ये सेल जाइलम की फॉर्मेशन करें या फ्लोएम की फॉर्मेशन करें और एक सिंगल सेल वो किसकी होगी इसकी कैम्बियम रिंग की सेल की तरह तो बिहेव करेंगी तो वो आपको पता होना चाहिए सेम टाइप का जो डिवीजन आपको यहां पे दिखाया गया है कि सेकेंडरी जायम इनर साइड के अंदर और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम अगर आप ढंग से देखें इसको कि एक सेल जो है जो यहां पे देखने को मिल रहा है वेस्कुलर कैंबियम जो ब्लू कलर से यहां शो की है उसमें एक पहले कट इस तरीके से लगता है दो यहाँ पे सेल्स आपको देखने को मिल रही है वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर एक सेल ये है, एक सेल ये है नेक्स्ट कंडीशन के अंदर इस सेल के अंदर इस टाइप का डिवीजन और ये सेल आपको यहाँ पर जो लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर इस टाइप का आपको डिवीज़न देखने को मिल रहा है तो इस टाइप से जब डिवीज़न आपको देखने को मिलते हैं तो एक पार्ट इसका जाइलम का बनेगा दूसरा कैम्बियल सेल बनेगा जब लोअर साइड के अंदर डिवीज़न देखने को मिलेंगे ये जो डिवीज़न देखने को मिलते हैं ये रेडियल जो रेज बनती हैं उनके लिए होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एंटी डिवीज़न क्या है और पेरिक्लिनल डिवीज़न क्या, क्या है बस उसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर इसकी फॉर्मेशन इन डिटेल जितना डिटेल आपको बताएगा उतना डिटेल नहीं है ये डिवीज़न आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कैसे होते हैं क्लियर है नेक्स्ट अब आप देखें एक पॉइंट आपसे और भी डिस्कस किया गया था क्या था वो पॉइंट कि जब भी बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की तो जो जाइलम है जाइलम की फॉर्मेशन इन कम्पेरेटिवली फ्लोएम जाइलम जो है इन इनकम्पेटिवली फ्लोएम ज़्यादा जो है फर्दर प्रोड्यूस होता है आप कहेंगे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों होता है आपको भी बताया है कि जो वेस्कुलर केम्बियम उस वेस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी जो होती है टूवर्ड्स द इनर साइड सेंटर साइड के अंदर ज़्यादा होती है और उसकी पेरीफ्री पेरीफ्रल साइड के अंदर कम होती है इसी वजह से जब जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर की बात करते हैं तो जाइलम सेकेंडरी जाइलम का नंबर इन इनकम्पेटिवली सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा होता है अच्छे से देखें इस जाय्रम के थ्रू आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा ये कि स्टार्टिंग के अंदर क्या है एक कैम्बियम सेल क्या है एक कैम्बियम सेल ठीक है इस केम्बियम सेल के अंदर अपर साइड अब अच्छे से एनालाइज करें ये जो यहां पे सी लिखा हुआ है ये किसके लिए है ये कैम्बियल सेल के लिए है और इसके अंदर लोअर साइड के अंदर डिवीजन के थ्रू किसकी फॉर्मेशन हुई है एक जाइलम की फॉर्मेशन हुई है क्लियर है फिर फर्दर नेक्स्ट डिवीजन जब आपको देखने को मिलता है तो जाइलम के अंदर जो ये वेसल है इसकी जाइलम वेसल जो है फर्दर ब्रोड होना स्टार्ट हो गई है और अपर साइड के अंदर फिर फर्दर किसकी फॉर्मेशन होती है फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है इन बिटवीन आपको क्या देखने को मिल रहा है कैम्बियम सेल इन बिटवीन क्या देखने को मिलता है कैम्बियम सेल दोबारा देखें कैम्बियम सेल है सेल के अंदर एक इनर साइड के डिवीजन के बाद टू सेल्स की फॉर्मेशन होती है एक कैंबियल की तरह बिहेव करती है और दूसरा जाइलम की तरह बिहेव कर रही है फिर से सेम्बियल सेल के अंदर डिवीजन से एक फ्लोएम की तरह बिहेव कर रही है और ऑलरेडी प्रेजेंट जो जाइलम है उसकी वेसल्स क्या हो रही है ब्रॉड हो रही है अगर आप ढंग से देखें उसकी वेसल्स कैसी हो रही है ब्रॉड हो रही है तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए तीनों डायग्राम ए बी एंड सी ठीक है अब आप अच्छे से एनालाइज करें कि नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा आपको भी पता है फ्लोएम की जो सेल्स हैं ये फ्लोएम की जो सेल्स हैं यहां पे आपको टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। ये क्या है सीव ट्यूब ये किसको डिनोट करता है ये डिनोट करता है सीव ट्यूब को डिनोट करता है और इसके साथ प्रेजेंट ये किसको डिनोट कर रहा है कंपेनियन सेल को अब आप यहां पे देखें ये क्या है इसकी कैम्बियल सेल सेल से फिर किसकी फॉर्मेशन हुई सेकेंडरी ज़ाइलम की सेकंड लेयर की फर्स्ट लेयर ये थी उसके बाद ये सेकंड लेयर की फॉर्मेशन हुई सेकेंडरी ज़ाइलम की सेकेंड लेयर और आउटर साइड के अंदर स्टिल अभी एक सिंगल फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है फ्लोएम की लेयर प्रेजेंट है नेक्स्ट <coughs> फिर फर्दर फिर से कैम्बियल एक्टिविटी की वजह से आउटर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है आउटर साइड से फ्लोएम की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे भी प्राइम जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो टुवर्ड्स पैरीफ्री मूव करेगा फिर फर्दर जस्ट इसके अटैच में न्यूली डेवलप्ड यंग सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होगा और जस्ट इसके नीचे की साइड में आप देखें जो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम की सेकेंड लेयर बनी थी वो हल्का सा ब्रॉड होना स्टार्ट हो गया है और जो सबसे पहले सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी जाइलम जो बना था वो हल्का सा ब्रॉड होना स्टार्ट हो गया है और जो सबसे पहले सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हुआ था वो सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स और ब्रॉड होना स्टार्ट हो गई है देख रहा है आपको इसकी वैसल्स वाइडर होना स्टार्ट हो गई है जब भी आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे आपको फ्लोएम के कंपैरिजन में जाइलम जो है जाइलम जाइलरी एलिमेंट्स इन कम्पेटिवली ज़्यादा ही मिलेंगे आप अच्छे से देख लें यहाँ पर वन यहाँ पर वन टू थ्री मतलब जो कैम्बियल रिंग है उसके अलावा यहाँ पर वन टू और जो यहाँ पे जाइलम देखने को मिल रहा है वो कैसा है उनकी वेसल्स कैसी है ब्रोड जब यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोएम आपको देखने को मिल रहा है फ्लोएम का प्राइमरी लेयर प्राइमरी लेयर मतलब जो सबसे पहले सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म हुआ था वो बाहर की तरफ फिर फर्दर जस्ट कैम्बियल सेल्स के पास में क्या होगा सेकेंडरी फ्लोएम की सेकेंड लेयर नेक्स्ट कंडीशन आप देखें यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है फ्लोएम की टू लेयर्स और यहां जाइलम एक्स थ्री एक्स टू और एक्स वन अगर आप ढंग से देखें होता क्या है ओवरऑल जब इसका आप इसको एनालाइज करेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा कि फ्लोएम जो टिश्यू है फ्लोएम टिश्यू जाइलम टिश्यू से कंपेरिटिव फ्लोएम टिश्यू की जो लेयर आपको देखने को मिलती है जाइलम टिश्यू के कंपेरिटिव में कम होती है क्यों क्योंकि कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो टुवर्ड्स द इनर साइड कैम्बियम क्या रहती है मोर एक्टिव मोर एक्टिव टूवर्ड्स इनर साइड ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स बताएं क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं कि क्या एक्टिविटी इनर साइड में ज्यादा है क्या एक्टिविटी बाहर की तरफ ज्यादा है तो ये yes, जनरल आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जितने भी आपसे जो है डिस्कस किए गए हैं ठीक है नेक्स्ट अब इसके अंदर आपको जो देखना है वो क्या है अच्छे से एनालाइज करें मेन पॉइंट जो आज आपको पढ़ना है वो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कोर्क कैंबियम ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्कम्बियम अब कोर्क क्या है कोरकेम्बियम क्या होता है कैसे कोरकेम्बियम की फॉर्मेशन होती है वो पूरा कंप्लीट आपको वन बाय वन अच्छे से पढ़ना है आज का मेन टॉपिक फर्स्ट मेन टॉपिक आपका क्या है सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम कोरकेम्बियम भी आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कोरकेम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होती है सबसे पहली बात कोरकेम्बियम की फॉर्मेशन जो होती है कोरकेम्बियम इज टोटली सेकेंडरी इन नेचर टोटली सेकेंडरी इन नेचर आपको भी पता है सेकेंडरी इन नेचर कि जब बात करते हैं कैम्बियम की तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर इन केस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर जो होता है वो सेकेंडरी होता है इंट्राफेसिकुलर जो होता है वो कैसा होता है प्राइमरी जो प्राइमरी मैडिसम से डेवलप होता है बट इन केस ऑफ कोर कैम्बियम टोटली सेकेंडरी होती है ये एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जब वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ होती है तो बाहर की तरफ अच्छे से एनालाइज करें अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस डायग्राम को आपको अच्छे से ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये किसको नोट करता है ये नोट करता है इसकी एंडोडर्मिस को किसको कर करा है इसकी एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के अलावा इसकी आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है इसका एपिडर्मिस क्या है इसका एपिडर्मिस सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम इन डायकोट स्टेम अच्छे से देखें होता क्या है इनर साइड के अंदर इनर साइड के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से यहां एक ये कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिल रहा है इस कैम्बियम रिंग के अलावा इनर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे इनर साइड के अंदर सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेंगे जो पित्त की तरफ पूरे कंप्लीट अच्छे से क्या हो चुके हैं हैंट हो चुके हैं और आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा <coughs> आउटर साइड के अंदर जो रिंग देखने को मिल रहे हैं वो रिंग होंगे इसके फ्लोएम के मान लीजिए फ्लोएम का है और प्राइमरी फ्लोएम यहां तक पहुंचा हुआ है इसका ये प्राइमरी फ्लोएम ऐसे आपको देखने को मिल रहा है एक रफ आइडिया दिया है मैंने सबसे मिड के अंदर प्रेजेंट जो पिंक कलर से शो हो रहा है वो क्या है वो है इसका सेकेंडरी जाइलम क्या है सेकेंडरी जाइलम जो आउटर साइड के अंदर येलोइ कलर से लेयर्स देखने को मिल रही है ये क्या है इसका सेकेंडरी फ्लोयम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोयम जो यहां पे इस व्हाइटिश कलर से जो मैंने यहां पे कैम्बियम बनाया है कैंबियम रिंग बनाया है ये किसको डिनोट करता है ये डिनोट करता है इसके वेस्कुलर कैम्बियम को जो आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं अब होता क्या है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जैसे जैसे इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है जैसे जैसे इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हो रही है और इसकी इनर साइड के अंदर सेकेंडरी जाइलम की जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर जैसे जैसे ये विट के अंदर इंक्रीज होता है तो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है बाहर की तरफ प्रेशर लगता है तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है एपिडर्मिस क्या है इसकी रप्चर होगी आप कहेंगे सर एपिडर्मिस रप्चर कैसे होगी देखें आप मान लीजिए इसका ये क्या था एपिडर्मिस ये क्या था इसका एपिडर्मिस अब बाहर प्रेशर लग रहा है तो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी <coughs> यहाँ से एपिडर्मिस रप्चर हो गई अब रप्चर होने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोब्स वगैरह है जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इनको इन्वेड कर सकते हैं इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं प्लांट के अंदर और फिर फर्दर इसकी ग्रोथ जो है उसको इम्पेयर कर सकते हैं ठीक है अब होता क्या है इससे प्रिवेंशन के लिए इससे प्रिवेंशन के लिए जैसे जैसे बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ता है और ये फर्दर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से ब्रिक होना स्टार्ट हो जाती है इसकी एपिडर्मिस प्रेजेंट नंबर ऑफ जो कोटेक्स की जो सेल्स है यहां पे आपको कोटेक्स के अंदर प्रेजेंट पेरेंट काइमेटर सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है आपको बता देता हूं आपको पेरेंट काइमेटर सेल्स एंड कोर्टिकल सेल्स ही मान करके चलना है सेकेंडरी ग्रोथ जो आपको यहां पे देखने को मिलती है आपको यहां पर क्या मान के चलना है जो भी आंसर लगाने हैं वो कोटेक्स की सेल के अकॉर्डिंग लगाने हैं नो डाउट इसके नीचे आपको एक क्या देखने को मिलती है हाइपोडर्मिस भी देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर ये जो फर्स्ट आपने इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी इसके अलावा एक ग्रोथ देखने को मिलती है दैट इज कंसिडर कंसिडर एज एन एक्स्ट्रास्टीलर यहां पर एक कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होगी ये कैम्बियम जो होती है इसको क्या बोलते हैं कोर्क कैंबियम क्या बोलते हैं कोर्क कैंबियम और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है या फिर इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है कोर्टिकल सेकेंडरी ग्रोथ ये सारे वर्ड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कॉर्टिकल सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग भी यही है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग भी यही है कि जस्ट इसके स्टील की आउटर साइड के अंदर एंडोडर्मिस के बाहर जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ नंबर ऑफ सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है दैट इज पैरन इन नेचर कैसी होती है ये पैरन काइमेटस होती हैं ये सेल्स ये पेरेंट काइमेटस सेल्स फिर फर्दर क्या करती हैं खुद मॉडिफाइड होकर के अभी स्टिल इनके पास आइडेंटिटी है अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगी और डिवाइडिंग कैपेसिटी गेन करेंगी आइडेंटिटी को लूज कर करके डिवाइडिंग कैपेसिटी री गेन करना दैट इज़ कंसिडर एज एन डी डिफ्रेंशिएशन ठीक है डी डिफ्रेंशिएशन के बाद वापस से मैच्योर होकर के सेल इनके पास एक आइडेंटिटी आ जाती है ये सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है कॉर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज कंसिडर एज एन री तो वो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो वो पैराग्राफ भी आपको इसी के साथ में ही पढ़ लेने ताकि आपको अच्छे से क्लियरटी आ जाए उन कॉन्सेप्ट के अंदर भी फंसना नहीं है कहीं पर भी आप देखें कोर कैम्बियम की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन क्यों होती है ताकि बाहर से जो स्प्लिट हो करके आपको ये जो रप्चर एरिया देखने को मिल रहा है ये रप्चर एरिया देखने को मिल रहा है इस रप्चर एरिया से माइक्रोब्स इसको इन्वेट करके किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन कोज ना करें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें इसी वजह से एक प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग प्रोवाइड करता है कोर कैम्बियम आप कहेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोर कैम्बियम जो है इसकी एक्टिविटी भी आउटर साइड के अंदर और इनर साइड के अंदर आपको देखने को मिलती है आउटर साइड के अंदर भी ये सेल्स की फॉर्मेशन करता है और इनर साइड के अंदर भी सेल्स की फॉर्मेशन कर होता है कोर कैम्बियम जो है वो कंसिडर होता है एज एन फेलोजन किसकी तरह होता है फेलोजन <coughs> और कोर कैम्बियम आउटर साइड के अंदर जिन सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कोर कैम्बियम से आउटर साइड के अंदर जिन सेल्स की फॉर्मेशन होती है दिस सेल्स इज कंसिडर एज एन फैलम इसकी तरह कंसीडर होती है ये फैलम की तरह कंसीडर होती है दैट इज आल्सो नोन एज कॉर्क क्या बोलते हैं इनको कॉर्क वो जस्ट इसकी इनर साइड के अंदर जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी यहां पर देखो कोर्टेक्स पहले से प्रेजेंट था और अब इसकी इनर साइड के अंदर कोर्टेक्स की जो लेयर बनना स्टार्ट हो गई है एक बात अगर आपने अच्छे से समझी हो कि जैसे-जैसे बाहर की तरफ ये प्रेशर लगता है तो एपिडर्मिस इसकी क्या हो रही है रप्चर होकर के निकल रही है हाइपोडर्मिस जाएगी कुछ कोर्टिकल पार्ट इसका जाएगा बट रिमेनिंग जो कोटेक्स की सेल्स हैं, ये सेल फिर से एक लेयर बना देती है फिर से क्या कर रही है एक लेयर बना देती है ताकि बाहर से किसी भी तरीके से कोई इंफेक्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और दिस लेयर इज कंसिडर्ड एज एन कोर कैंबियम जो आउटर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन करती है नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करती है और वो नंबर ऑफ सेल्स जिनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और सुबेरिन के डिपोजिशन की, की वजह से वो किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन को आउटर साइड से इनर साइड के अंदर एंट्री नहीं देती है बट जस्ट इसकी इनर साइड के अंदर जो सेल्स बनेगी अब पहले जो एपिडर्मिस थी उसके नीचे जो कोटेक्स प्रेजेंट था उसको क्या बोलते थे आप कोटेक्स अब इस लेयर के जस्ट नीचे जो सेल्स बन रही हैं उन सेल्स को क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे सेकेंडरी कोटेक्स तो यहाँ पे तीन वर्ड जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं फर्स्ट वन कॉर्कैम्बियम सेकेंड वन इज कॉर्क एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी कोटेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज फैलोडम क्या बोलते हैं इसको फेलोडम <coughs> तो ये तीनों पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे एक रफ आइडिया दिया है स्टिल मैंने आपको कि कहां पर अभी अपने को सेकेंडरी ग्रोथ को देखनी है इंट्रॉस्टिलर या एक्सट्रस्टिलर एक्सट्रॉस्टिलर के अंदर रप्चर होने की वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको यहां पे क्या देखने को मिलती है कोर्टिकल सेल्स की एक्टिविटी की वजह से एक कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है जो आउटर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन करेगी यहां पे एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं आपको कोर्क कैम्बियम क्या है कोर्क कैम्बियम ये कोर्क कैम्बियम जो है ये आउटर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन करता है आउटर साइड के अंदर कोर्क की फॉर्मेशन करता है और इनर साइड के अंदर किसकी फॉर्मेशन करता है इनर साइड के अंदर सेकेंडरी कोटेक्स की फॉर्मेशन करता है ये इनर साइड में है और ये आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है क्लियर है आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा इसको क्या बोलते हैं फैलोजन फैलम फैलोडम क्या बोलते हैं फेलोडम और दिस ऑल आर कंसिडर एज इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है पेरीडम ठीक है अब आप देखें आप कहेंगे सर अभी भी हमें नहीं समझ आया होती क्या है अच्छे से समझने के लिए इसको आप देखें कि नंबर ऑफ सेल्स आपको यहां पे देखने को मिलती है कोर कैम्बियम की जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी जो यहां पे मॉडिफाइड सेल्स होंगी ये कैसी होती है थिन वॉल्ड होती है रेक्टेंगुलर इन शेप होती है रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर शेप आपको देखने को मिलती है और इन सेल्स के बाहर जो सेल्स होती हैं इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है इन डिटेल आप स्टडी करेंगे बट कोर जो है इस पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट का कि कोर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे आपको देखने को मिलती है क्या क्या वर्ड्स जो यहाँ पे बार बार आपको परेशान करेंगे कोर कोर कैम्बियम एंड सेकेंडरी कोटेक्स आपको बिल्कुल जो है तरीके से ये पूरा डिफाइन कर दिया कि कोर कैम्बियम के बाहर होगा कोर्क और कोर कैम्बियम की इनर साइड के अंदर होगा सेकेंडरी कोर्टेक्स और यहां पर जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है इसका डिपोजिशन होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो <Ecu Canyon> <medications> किसी भी तरीके से बाहर से किसी माइक्रोब की एंट्री जो है वो नहीं होने देता है क्लियर है आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा जनरल जो आपको जो है पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब किया यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो थर्टी सेकेंड आपके पास आप अपने डाउट ड्रॉप करें फिर फर्दर अपने आगे इसके अंदर प्रोसीड करते हैं हां जी <coughs> यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं वन बाय वन अदरवाइज वी विल प्रोसीड यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको डाउट नहीं है तो आप लिख दें नो no, सर सर प्लीज़ एक्सप्लेन सुबेर इन डिपोजिशन सुबेर इन डिपोजिशन पूरा कंप्लीट अभी डिफाइन करूंगा बेटा मैं जिसके अंदर uh, किस तरीके से इन सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो भी आप देखेंगे <coughs> इसके अलावा और कोई डाउट आपके थ्रू कोर केम्बियम एंड बोथ सेकेंडरी कोटेक्स एंड कोर्क फॉर्म्स यस कॉर केकेम्बियम कोर केम्बियम की जो सेल्स होती हैं वो मिरिस्टमेटिक होती है इन नेचर आप अच्छे से देख लें ये सेल्स जो आपको यहाँ पे कोर केम्बियम की देखने को मिलती हैं ये सेल्स कैसी होती है मिरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं

ठीक है, फिर फर्दर अपने आगे प्रोसीड करते हैं इसके अंदर, अच्छे से एनालाइज करें आप। देखिए अब इसके बाद जो कोर आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोनों का वो पूरे ट्री के अंदर आप अच्छे से एनालाइज कर लें कि एक ट्री के अंदर कैसे आपको सेकेंडरी जो ग्रोथ देखने को मिलती है ड्यू टू देस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी एंड ड्यू टू द कोर कैंबियम एक्टिविटी सबसे अपर साइड के अंदर एक कट यहां से कट लगा करके आपको ये शो किया गया सेकंड नंबर जो कट है इसके मिड से यहां पे एक कट शो किया गया और थर्ड नंबर एक कट जो है यहां से आपको शो किया गया अच्छे से एनालाइज करें इन तीनों को फर्स्ट नंबर जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है पिथ पिथ आफ्टर दैट प्राइमरीर कैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम आफ्टर दैट कोर्टेक्स एंड एपिडर्मिस नॉर्मल कंडीशन के अंदर जस्ट सबसे अपर साइड के अंदर यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है जस्ट लोअर साइड में यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और उसकी इनर और अगर आप लोअर साइड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे विथ के अंदर आपको स्टेम जो होता है इनकम्पेरेटिवली उसका डायमीटर ज्यादा होता है अपर साइड से उसके एप्पिकल साइड से तो एप्पिकल साइड के अंदर अभी एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलोरी दोनों एक्टिव है और एक लेट्रल मैरिस्टम प्राइमरी लेट्रल मैरिस्टम एक्टिव है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रही है वो वेस्कुलर

प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम ये आपको देखने को मिलते हैं ये आपका क्या था वेस्कुलर कैम्बियम क्या है ये वेस्कुलर कैम्बियम और इस वेस्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है सेकेंडरी फ्लोएम और इसकी इनर साइड के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है सेकेंडरी जाइलम तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए अब जैसे ही सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगना स्टार्ट जैसे ही प्रेशर लगना स्टार्ट होता है तो इसकी लोअर साइड के अंदर आप अच्छे से एनालाइज करें सेकेंडरी जाइलम टू इयर्स प्रोडक्शन वेस्कुलर कैम्बियम है प्रेशर लगता है जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है लेयर्स ऑफ पेरिडम की तरफ रप्चर होना स्टार्ट हो गई है अच्छे से और एक छोटा सा पॉइंट और आपको यहां पे अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया हो एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर बार्क क्या लिखा हुआ है बार्क ठीक है जब मैं बात करता हूं बार्क की तो सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोयम से बाहर का जितना भी पार्ट है बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जनरल जो है अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे सेकेंडरी फ्लोएम से आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम का आउटर सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी फ्लोएम के आउटर साइड के अंदर जो भी पार्ट है वो कंसिडर होता है आउटर पार्ट टिल एपिडर्मिस टिल के अंदर तो आपको तक मिलेगा और ये इसका एज एन बार्क की तरह तो से क्लियर हो जाना चाहिए किसकी तरह कंसिडर होगा ये एज एन बार्क की तरह कंसिडर होगा आप कहेंगे सर नहीं समझ आया अभी भी अभी भी नहीं समझ आया तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप अच्छे से क्लियर करें नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्राइमरी ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी ग्रोथ ठीक है यहां पर फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू यहां पे रहती है सेकेंडरी ग्रोथ कॉन्टिन्यू ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम सीसी का मतलब कोर कैम्बियम रफ एक आइडिया दिया आपको होगा क्या इन स्टार्टिंग फेज आप यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है एपिडर्मिस क्या देखने को मिलता है एपिडर्मिस आफ्टर दैट आपको क्या देखने को मिलता है हाइपोडर्मिस आफ्टर दैट कोटेक्स एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल फ्लोएम जाइलम, पिथ फ्लोएम जाइलम एंड पित्त आप कहेंगे फ्लोएम जाइलम एंड पिथ यस फ्लोएम एंड जाइलम के मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या देखने को मिलता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपको बाहर की तरफ एपिडर्मिस बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस देखने को मिलती है एपिडर्मिस आफ्टर दैट हाइपोडर्मिस कोटेक्स एंडोडर्मिस, कोटेक्स के बाद एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम एक रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आप नंबर ऑफ जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इस रफ आइडिया के थ्रू जो है अपनी सॉल्व कर सकें आफ्टर दैट सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम क्लियर है फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सबसे इनर साइड के अंदर पित ठीक है अब सेकेंडरी ग्रोथ ये क्या है ये यहाँ पे जो आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिली है ये सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इंट्रास्टीलर कैसे ये वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से यहां पर जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है ये कैम्बियम किसकी फॉर्मेशन कर लेता है वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कर लेता है और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम जस्ट इसकी अटैचमेंट में आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम इसके बाहर की तरफ आपको देखने को मिलता है तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए जो यहां पे आपकी कैम्बियम कैम्बियम से जस्ट पास में आपको क्या देखने को मिलेगा जो न्यूली डेवलप आपका कंडक्टिंग uh, टिश्यू है चाहे वो फ्लोएम हो या फिर जाइलम हो पेरीफ्री की तरफ फ्लोएम और इनर साइड के अंदर आपको जाइलम देखने को मिलता है अब सुनिए वट अबाउट बार्क जो बार्क टर्म यूज की गई है यहां पर वो बार्क टर्म क्या है

नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लगभग 80 टू 90 परसेंट रिगार्डिंग टू सेकेंडरी ग्रोथ सारे यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर ढंग से आप इसको समझते हैं तो ये समझ आया कि प्राइमरी ग्रोथ के अंदर नॉर्मल आपको एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम जाइलम एंड पिथ आपको देखने को मिलती है पूरी कंटिन्यूशन के अंदर मैं इसके अंदर रेडिली प्रेजेंट टिश्यू उनकी बात नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट एपीड्रमिस हाइपरमिसटेस एंटोड्रमिस और एंडोडर्मस की इनर साइड के अंदर जहां स्टील प्रेजेंट है जस्ट एंडोडर्मिस की इनर साइड के अंदर वहां की नंबर ऑफ सेल्स वेस्कुलर फॉर्मेशन कर लेती है उसकी आउटर साइड और इनर साइड के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से है ठीक है और सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर का जितना भी एरिया वो किसकी तरह कंसिडर होता है एज एन फ्लोएम की तरह कंसिडर होगा और इसकी जस्ट इनर साइड के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम ये किसकी फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी जाइलम विच इज कंसिडर एज एन वुड एक सिंगल सिंगल लेयर मैंने आपको यहां पे शो की है ठीक है नेक्स्ट कंडीशन सेकेंडरी ग्रोथ जो कंटिन्यू रहती है उस कंटिन्यू सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है इधर देखें सबसे आउटर साइड के अंदर इसकी एपिडर्मिस रप्चर होकर के निकल जाएगी एपिडर्मिस रप्चर होकर निकल गई हाइपोड्रमिसिस की रप्चर होकर के निकल गई उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है उसके बाद आपको देखने को मिलता है आउटो साइड के अंदर कॉर्क क्या देखने को मिलता है कॉर्क फिर फर्दर कॉर्क ठीक है कॉर्क के बाद कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम आप कहेंगे कॉर्क कॉर्क कैम्बियम भी दिखेगा नहीं यहां पर आपको प्राइमरी कोटेक्स का कुछ पार्ट भी जो है रिमेनिंग देखने को मिल सकता है हो सकता है अगर यहां पर अच्छा खासा सेकेंडरी फिल्म सेकेंडरी जाइलम बना है तो ये प्राइमरी कोटेक्स भी निकल जाएगा प्राइमरी कोटेक्स मैंने इस वजह से बोला है प्राइमरी कोटेक्स मैंने इस वजह से बोला है यहां पर ताकि क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट टिश्यू है यहां पर मैं कोटेक्स लिख रहा हूं उसको मैंने प्राइमरी कोटेक्स इस वजह से बोला है क्योंकि जो कोर कैम्बेम यहाँ पे फॉर्म करेगा वो कोर कैंबेम कि किस की किसकी फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी कोटेक्स की सेकेंडरी कोटेक्स की फॉर्मेशन करता है तो तीन पॉइंट आपको यहां पे देखने हैं आउटर साइड के अंदर कोर इनर साइड के अंदर सेकेंडरी कोटेक्स ठीक है ये कहां है ये इस एरिया के अंदर होने वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ है इस एरिया के अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ जिसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर मेरा कंसर्न अभी यहां पे एक्स्ट्रा स्टीलर बताने से अच्छे से आप देखें इसके जस्ट बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा इसके जस्ट बाद में आपको कुछ पार्ट प्राइमरी कोटेक्स का देखने को मिलेगा फिर फर्दर क्या देखने को मिलेगा फिर फर्दर आपको देखने को मिलेगी एंडोडर्मिस क्या होगी एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद <coughs> primary phloem secondary phloem a few further vascular cambium secondary xylem primary xylem and pith ये दो ये जो दोनों मैंने यहाँ पे रिमार्क किए हैं आप अच्छे से देख लें दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए ये किसको बताता है ये बताता है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू तो द एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम और अब इस कंडीशन के अंदर जो बार्क है वो क्या होगा अब इस कंडीशन के अंदर बार्क होगा वही कि सेकेंडरी फ्लोएम चाहे इसकी मल्टीलेड फॉर्म हो जाए यहां पे सेकेंडरी फ्लोएम की उस सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर टुवर्ड्स द आउटर साइड जितना भी पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ऑल आर कंसिडर्ड एज एन इन बार्क तो आपको पता होना चाहिए रफ एक आइडिया आपको दे दिया है कि वट इज प्राइमरी ग्रोथ वट इज सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ

कहाँ किस टाइप की स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म हो रही है अब आप देखें कोर केम्बियम के रिगार्डिंग आपकी एनसीआरटी जो डिफाइन करती है उससे पहले कुछ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ये देखिए होता क्या है ये बार्क आपके एन ने जो डायग्राम एक शो किया हुआ है उसके अलावा आउटर साइड के अंदर ये एपिडर्मिस आपको देखने को मिल रही है ये किसको नोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है एपिडर्मिस को आप कहेंगे सर एपिडर्मिस उसकी इनर साइड के अंदर कोर्टेक्स यस ये पूरी कंप्लीट जितनी भी सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑल सेल्स जो है जितनी भी यहाँ पे सेल्स है वो कोर्टेक्स को डिनोट कर रही है बट कोर्टेक्स की कुछ सेल्स जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रही है ये एरिया जो मैं यहाँ पे रिमार्क कर रहा हूँ ये एरिया आप अच्छे से एनालाइज कर लें इस एरिया के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स आपको रेक्टेंगुलर इन डिनोट करता है, है कोर कैम्बियम को, को और कोर कैम्बियम कॉन्टिन्यूशन के अंदर होती है कोर कैम्बियम क्या होती है कॉन्टिन्यूशन के अंदर होती है कुछ टाइम ऐसा आता है कि इनर साइड से प्रेशर की वजह से इसकी एपिडर्मिस स्प्लिट हो जाती है स्प्लिट होकर के एक लेंस शेप एक शेप जो है आउटर पोर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं लेंटी सेल्स क्या बोला जाता है जिसको लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं लेंटी सेल्स स्टेम पे अपर साइड में बार्क पे आपको देखने को मिलते हैं जो फर्दर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज के लिए एंड फॉर ट्रांसपीडिशन ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो यहां डेवलप होकर फॉर्मेशन करेगी डिनोट करती है इसके सेकेंडरी कोटेक्स को किसको बताती है सेकेंडरी कोटेक्स को और जस्ट इसकी आउटर साइड के अंदर यहां पर नंबर ऑफ सेल्स आउटर साइड के अंदर यहां नंबर ऑफ सेल्स जो आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग फेज के अंदर अभी तो यहां पे लेंटी सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है स्टार्टिंग फेज के अंदर जो सेल्स आपको यहां पे देखने को मिलेगी जिसके अंदर किसका डिपोजिशन होगा जिसके अंदर डिपोजिशन होगा पूरा कंप्लीट सुबेरिन का दिस सेल्स इज कंसिडर एज एन कॉर्क सेल विच हैव सुबेरिन सुबेरिन क्या होता है सुबेरिन एक ये बोल सकते हैं आप लिपिडिक सब्सटेंस है जो वाटर को क्या करता है रिपेल करता है यहाँ से जो वॉटर किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन इनर साइड के अंदर कोज नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्क जो होता है एक पूरी लेयर बना देता है जिसके थ्रू ना तो वाटर एंट्री हो सकती है और ना भी किसी न किसी अदर इन्फेक्शस पार्टिकल की एंट्री हो सकती है बट कुछ कुछ साइड पे जो है ये जो एपिडर्मिस है वो स्प्लिट होकर के छोटे छोटे लेंस शेप ओपन जो है पोर्स की फॉर्मेशन करती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं जो स्टोमेटा जो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमेटा किसकी तरह कंसिडर होते हैं एज एन लेंटी सेल की तरह कंसिडर होते हैं है. जैसे रूट हेयर एंड शूट और हेयर होते हैं जैसे लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं वैसे प्लांट के अंदर स्टेम पे अपर साइड के अंदर आपको जो स्टोमेटा जो ओपनिंग देखने को मिलती है जहां पर नंबर ऑफ सेल्स बाहर की तरफ प्रेशर लगता है प्रेशर लगने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट जो पैनक्राइमेटा सेल्स आपको देखने को मिल रही है ये डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आ जाती है

सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द कोर कैम्बियम एक्टिविटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्लियर है अब देखिए आपकी एनसीईआरटी इनके बारे में क्या क्या डिफाइन करती है फर्स्ट वन ये आपको अच्छे से पढ़ना है एनालाइज करें इसको क्या है कोर कोर कैम्बियम एज द स्टेम कंटिन्यूस टू इंक्रीज इन गर्थ गर्थ मतलब इसके डायमीटर के अंदर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम कैम्बियम से सेकेंडरी फ्लोम सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है

यहां। कि जैसे ये रप्चर होगा रप्चर होते है, इसकी कोर्टिकल रीजन के अंदर क्लियर की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी इसकी कोर कैम्बियम होगी ठीक है फिर फर्दर डिफाइन करते हैं अच्छे से एनालाइज करें फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर कर चुका हूं ऑलरेडी साइड के अंदर इनर साइड इन टू द सेकेंडरी कोटेक्स नॉन एज फेलोडम एंड सेल्स ऑफ सेकेंडरी कोटेक्स आर पैर कैसी होती हैचर होती है द कोकैम्बियस द कोर्म्बियम इम इम टू वॉटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन किसी भी तरीके से कोई वॉटर की एंट्री नहीं हो पाती है पहले जो होता था बोटल के अपर साइड के अंदर कॉर्क कॉर्क जो यूज किया जाता है कॉर्क क्या है बार्क जो उसकी होती है सेकेंडरी फ्लोएम की जो आउटर साइड के अंदर आपको सेकेंडरी फ्लोएम से जो भी आउट साइड का पार्ट है वो बार्क की तरह कंसिडर होता है उस बार्क के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया उस बार्क के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है वो सेल्स इसी वजह से क्या होता है कि जब कॉर्क को यूज़ किया जाता है आप कहेंगे कॉर्क को कैसे यूज़ करेंगे कॉर्क को जो बॉटल के जो कवर होते हैं बॉटल कवर के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई माइक्रोब्स वगैरह उसके अंदर एंट्री ना ले सके क्यों क्योंकि इसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ना तो वोटर जा सकता है और ना ही कोई अदर सब्सटेंस उसके अंदर डायरेक्टली एंट्री ले सकता है तो जो बॉटल के कवर बनाए जाते हैं कैप बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं कोर्क जो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है वो इसी कोर्क सेल्स के बने होते हैं ठीक है डेड <coughs> सेल्स ही हैं ये नेक्स्ट है। इसके बाद आपको अच्छे से एनालाइज करना है के अंदर ये देखिए फेलोजन फेलोडम एंड फैलम इन तीनों को मिलकर के क्या बोलते हैं पेरिडम ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर् कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफल टू दर अल्टीमेटली स्लोट ऑफ बाहर की तरफ जो है वो निकल जाती है और बार्क क्या है बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म विच दैट रेफर्स टू द ऑल्ड टिश्यू सच एज पेरिडम एंड सेकेंड्री फ्लोयम सेकेंड्री फ्लोएम और उसके बाहर जो भी एरिया वो किसकी तरह कंसिडर होता है एज ए बार्क एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैंबियम इट इज टू टाइप्स टू टाइप कौन कौन से इसके एक अर्ली सॉफ्ट वर्क एक होती है लेट जिसको हार्ड वर्क हार्ड जो है बार्क बोला जाता है इट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन एंड इट इज फॉर्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जहां पर प्रॉपर कॉर्क की फॉर्मेशन हो जाती है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वाली है और स्टार्टिंग के अंदर जहां कॉर्क की फॉर्मेशन नहीं होती है बट स्टिल इनर साइड से प्रेशर लगने की वजह से बाहर की तरफ रप्चर्स होना स्टार्ट हो जाती है एपिडर्मिस वो अर्ली बार्क की तरह कंसिडर होता है ठीक है उसके बाद आपको डिफाइन किया हुआ लेंटी सेल्स वट इज द लेंटी सेल्स

एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम मेनली यहाँ पे गैस एक्सचेंज लिखा हुआ है वैसे इसके दोनों वर्क है लेंटी सेल्स के आपको चैप्टर नंबर 11 के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे कि गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिटेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रू स्टेम क्लियर है तो ये था कोर कैम्बियम के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है प्रॉपर अब जो है एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट आप अच्छे से देखें क्या है वो पॉइंट जिसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर अभी तक मैंने आपको हार्ट वुड सैप वुड इनके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है हार्टवुड के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया अब आप अच्छे से एनालाइज कर लें इसको अगर ये डायग्राम आपको समझ आता है ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो फिर फर्दर अपने वुड के अंदर प्रोसीड करेंगे और उसके बाद एक आपका लास्ट छोटा सा टॉपिक रह, जा, रह जाता है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स ठीक है वो भी बहुत इजी है अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम समझ आया तो सेम कंडीशन आपको वहां देखने को मिलेगी बस वहां पर एक जो डिफरेंट पॉइंट है वो क्या है वेस्कुलर कैम्बियम की जो फॉर्मेशन होती है वो टोटली totally सेकेंडरी होती है इस चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक कम से कम टेन टू फिफ्टीन टाइम्स मैं रिपीट कर चुका हूँ कि वेस्कुलर कैम्बियम जब वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर अ डाइकोट रूट वो टोटली सेकेंडरी इन नेचर होती है या फिर कोर कैम्बियम की जब बात की जाती है वो भी कैसा होता है टोटली सेकेंडरी इन नेचर होता है तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए बट उससे पहले कुछ पॉइंट रिगार्डिंग टू जो बार्क है वो आपके क्लियर हो जाए और वुड जो है चाहे वो स्प्रिंग वुड हो या फिर अर्ली वुड हो लेट वुड हो जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था वो आप अच्छे से देखें होता क्या है एनालाइज करें इस डायग्राम को कि एक पूरा कंप्लीट जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अभी हो चुकी है उसको कट कर करके यहां पे शो किया हुआ है ठीक है आउटर साइड के अंदर एक यहां पे रिमार्क किया हुआ है कोर्म्बियम आपको भी पता है सेकेंडरी ग्रोथ जब कॉन्टीन्यूशन के अंदर रहती है तो और उसकी जस्ट सबसे आउटर लेयर क्या मिलती है आपको वो कोर्कैंबियम कॉर्क और जस्ट उसकी इनर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कोर कैम्बियम की जस्ट इनर साइड के अंदर सेकेंडरी कोर्टेक्स और वो सभी मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं एक पेरिडम की फॉर्मेशन कर देते हैं ठीक है और पेरिडम के अलावा इनर साइड का सेकेंडरी फ्लोएम अगर आप कंसिडर करें तो वो पूरा कंप्लीट किसकी फॉर्मेशन करेगा बार्क की फॉर्मेशन करता है ये देखो सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे रिमार्क किया हुआ है ठीक है सेकेंडरी फ्लोएम की जस्ट इनर साइड के अंदर ये किसको को डिनोट करता है ये डिनोट करता है वेस्कुलर कैम्बियम को जो लेयर मैंने यहाँ पे बनाई एक ये वेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर की जस्ट इनर साइड के अंदर वुड आपको देखने को मिलती है ये वुड जो इसके सेंटर की तरफ है ये पहले फॉर्म हुई थी इसको अर्ली वुड बोलते हैं और जो बाद में फॉर्म हुआ उसको क्या बोलते हैं लेट वुड बोला जाता है अर्ली वुड स्प्रिंग वुड जो समर सीजन के अंदर बनती है और लेट वुड जो फर्दर विंटर सीजन के अंदर फर्दर बनती है आपको एक सिंगल जो है ईयर के अंदर टू रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं टू एनुअल रिंग्स वो फर्स्ट एनुअल रिंग इसका अर्ली वुड का होता है सेकंड एनुअल रिंग उसकी स्प्रिंग वुड का होता है और इन एनुअल रिंग्स के बेसिस पे आप ट्री की एज जो है वो इजीली ईजिल बता सकते हैं कि ट्री की एज क्या है सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसके अंदर पर ईयर आपको टू रिंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं पढ़ेंगे इन डिटेल मेरा कंसर्न अभी उन रिंग्स से या वुड से नहीं है सिर्फ आपको एनालाइज करवाना है कि यहाँ पर कोर्क और कोर्क कैम्बियम कैसे प्रेजेंट होती है और बार्क क्या है जस्ट उसकी इनर साइड के अंदर एक वेस्कुलर कैंबियम की जस्ट इनर साइड में प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा लेट वुड और उसकी इनर साइड के अंदर जो पित्त की तरफ होगा वो क्या होगा इसका अर्ली वुड ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए सेम डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है नीचे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये क्या है इसका पित्त पित्त के अलावा ये प्राइमरी कोटेक्स सॉरी प्राइमरी जाइलम प्राइमरी जाइलम के बाद ये किसको डिनोट करता है ये सेकेंडरी जाइलम को डिनोट करता है ये सेकेंडरी फ्लोएम को डिनोट करता है सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर ये इसका रिमेनिंग जो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेकेंडरी कोटेक्स के बाद जो ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है जो लेयर मैंने बनाई है किसको डिनोट करती है कोर कैम्बियम को डिनोट करती है और कोर कैम्बियम के बाहर कोर कैंबियम के साथ और कोर कैम्बियम के बाहर जो ये पूरी कंप्लीट लेयर्स ऑफ पैरिडम को नोट करेगा तो आपको पता होना चाहिए ये लेयर पूरा कंप्लीट किसको डिनोट कर रहा है इसका कॉर्क को डिनोट करता है ठीक है और जस्ट इसके अंदर न्यूली फॉर्म कॉर्क कैम्बियम इनर साइड के अंदर इसका सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के टिल आउटर साइड तक आपको क्या देखने को मिलेगा इसका बार्क तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे ये कि क्या है यहां से लेकर के इसके सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के और टिल बाहर तक का जो एरिया है वो किसको नोट करता है इसके बार्क कोड नोट करता है अगर आप ढंग से देखें ये एरो अगर आपको दिख रहा हो तो क्लियर है तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा अब आ जाइए एक पूरे कंप्लीट जो ट्री को अगर मैं कट करता हूं कट करके एनालाइज करता हूं, करता हूं तो सबसे बाहर लेयर्स ऑफ पेरिडम लेयर्स ऑफ पेरिडम जिसके अंदर फैलम फेलोजन फेलोडम, तीनों आ जाएंगे जस्ट उसकी इनर साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम ये पूरा कंप्लीट मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं बार्क की फॉर्मेशन करते हैं फिर जस्ट बार्क की सेकेंडरी फ्लोएम की इनर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा वेस्कुलर कैम्बियम इस वेस्कुलर कैम्बियम की इनर साइड के अंदर टूवर्ड्स द पित्त आपको क्या देखने को मिलेगा वुड देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है वुड देखने को मिलती है वो वुड अगर अर्ली पहले बनती है जो इसकी सेंटर की तरफ होगी उसको क्या बोलेंगे अर्ली वुड जो लेट फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं लेट वुड मीनिंग कि जो वेस्कुलर कैम्बियम से अटैच इसका सेकेंडरी जाइलम है देखो चाहे मैं हार्ट वुड की बात करूँ या सैप वुड की बात करता हूँ चाहे मैं लेट वुड या अर्ली वुड की बात करता हूँ इन दोनों की जब बात की जाती है आप अच्छे से समझें ये पॉइंट्स अभी आपको क्रिस्टल क्लियर करने हैं फिर फर्दर अपने आगे प्रोसीड करेंगे ये सभी किसके पार्ट हैं सेकेंडरी जाइलम के पार्ट हैं है। ये सभी किसके पार्ट हैं सेकेंडरी जाइलम के ही पार्ट हैं आप कहेंगे सर फिर इनमें डिफरेंस क्या है व्हाट इज हार्ट वुड व्हाट इज़ सैप वुड हार्ट वुड एंड सैप वुड जो आपको यहाँ पे बताया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन कि कहाँ से कंडक्शन होगा कहाँ से कंडक्शन नहीं होगा यहाँ पे हार्ट वुड जो होती है यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है इनकी वेसल्स के अंदर जो है डिपोजिशन होते हैं डिपोजिशन की वजह से ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं फर्दर वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं बट सैप वुड जो प्रेजेंट होती है जो उसके अंदर कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा अर्ली वुड जो होगी वो जस्ट इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होगी लेट वुड जो होगी वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी तो वो सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है अभी आप अच्छे से एनालाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट वुड को ही आपको अच्छे से पढ़ना है अब इस लेक्चर के अंदर लास्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट वो आप अच्छे से देख लें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर तीन पॉइंट आपकी एनसीआरटी डिफाइन करती है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम ड्यू टू तो द वैकुलर कैंबियम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम ड्यू टू तो द कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोट्रो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैंबियम वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ आपकी एनसीआरटी ने बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है तो पहले उसको अपने प्रोसीड करेंगे फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जो इसका इस चैप्टर का होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर पूरा कंप्लीट वुड और कुछ टर्म्स जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है बट आपके नीट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर आपको पढ़ना है वो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको डाइकॉट रूट और इन जिम्नोसपम सबसे पहला पॉइंट आप अच्छे से देखें आपको स्ट्रक्चर जो इसके अंदर प्रेजेंट जो सेकेंडरी ग्रोथ डिफाइन कर रहा हूँ मैं वो कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ डिफाइन कर रहा हूँ इंट्रास्टीलर कौन सी डिफाइन कर रहा हूँ इंट्रास्टीलर वैसे पूरा कंप्लीट आपको जो है सेकेंडरी ग्रोथ सिमिलर काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ही देखने को मिलता है जो आपको शूट के अंदर देखने को मिलता है बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है वेस्कुलर केम्बियम की जो फॉर्मेशन होती है आर टोटली सेकेंडरी कैसी देखने को मिलती है सेकेंडरी देखने को मिलती है क्यों क्योंकि यहां पर प्रेजेंट जो वेस्कुलर बंडल है रेडली अरेंज्ड जो है आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं ये पूरा कंप्लीट नोट कर रहे हैं ये नोट कर रहे हैं एंडोडर्मिस को मैं फिर से बोल रहा हूँ एंडोडर्मिस के बाहर प्रेजेंट जो इसका कोटेस रीजन है या फिर इसके अंदर प्रेजेंट जो एपिडर्मल रीजन है उसको मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं मैंने सिर्फ डायरेक्टली जो यहाँ पे सेल्स बनाई है वो सेल्स किसको डिनोट करती हैं ये सेल्स जो बैरल शेप सेल्स होती हैं जिनके अंदर कैसपेरियंस स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं सुबेरिन की जो कैसपेरियंस स्ट्रिप्स जो वाटर को इन साइड के अंदर एंट्री नहीं देती हैं कुछ एक सेल्स जहां पर आपको कैसपेरियंस स्ट्रिप्स एबसेंट देखने को मिलती है वहां से वाटर की एंट्री होती है सब कुछ अपने डिस्कस कर चुके हैं उसके अलावा आप देखें जब बात करते हैं रूट की रूट के अंदर कैसी कंडीशन होती है एग्जार्ट कंडीशन आपको देखने को मिलती है रूट के अंदर कैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है एग्जार्ट कंडीशन आपको देखने को मिलती है ठीक है एग्जैक्ट कंडीशन से सेंस क्या है ये आप भी अच्छे से समझते हैं पूरी कंडीशन आप अच्छे से देखें जो जस्ट एंडोडर्मिस की इनर साइड का पार्ट आपको शो किया गया ये किसको बताता है ये एंडोडर्मिस को बताता है जो आपकी रूट के अंदर प्रेजेंट है किसको बताता है एंडोडर्मिस ठीक है किसको ड्रेट करता है ये एंडोडर्मिस? आप कहेंगे सर आपने चार ही क्यों बनाए हैं नंबर ऑफ जो है देखने को मिलते हैं ऐसी कंडीशन जो है अरे एक छोटा सा पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझा हो कि मोनोकोट रूट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर जो रेडली अरेंज होते हैं उनका ज्यादा होता है और डाइकोट रूट के अंदर कम होता है इसी वजह से मैंने फोर यहां पर डिनोट किया है अच्छे से देख लेना क्योंकि आपको अल्टीमेटली सेकेंडरी ग्रोथ किन के अंदर देखनी है डायकोट रूट के अंदर मोनोकोट रूट के अंदर या मोनोकोट्स के अंदर किसी तरीके से कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है न तो मोनोकोट्स के अंदर और न ही लीव्स के अंदर दोनों जगह आपको कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता तो एंडोटर्मिस्क्यू डिनोट कर रहे हैं सेकंड नंबर एक स्क्रोट करता है ये डिनोट करता है इसके फ्लोएम टिश्यू को थर्ड नंबर आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम एंड फोर्थ नंबर इनर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है मेटाजाइलम आपको भी पता है कि रूट के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलती है कैसी कंडीशन देखने को मिलती है एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलती है एक रफ डायग्राम आपके सामने मैंने जो है ड्रॉ ड्रोकेस रफ डायग्राम को आप अच्छे से देख लें है क्या इसमें <coughs> अब क्या होगा कि यहां पर जो टिश्यूज यहां पर इन बिटवीन नंबर ऑफ पैराकाइमिटर सेल्स पेरिसाइकल का जो टिश्यू है और नंबर ऑफ पेरी पैरिटर सेल्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो मैं एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहा हूं ये रिंग आप देखें एक वेवी रिंग इन स्टार्टिंग फॉर्म जस्ट जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो एक वेवी रिंग आपको देखने को मिल रहा है अगर आप अच्छे से एनालाइज करें ये जो रिंग मैंने यहाँ पे बनाया है <coughs> पूरा कंप्लीट कि जस्ट फ्लोएम आउटर साइड के अंदर फिर जाइलम इसका इनर साइड में फ्लोएम इसका आउटर के नदर, के नदर, आउटर के नदर, इनर आउटर के नदर, इनर के अंदर, 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 अंदर। में, ये पूरा कंप्लीट जो रिंग बन रहा है ये कैसा है एक वेवी रिंग की फॉर्मेशन होती है कैसा है ये वेवी वेव जो है वेव टाइप आपको रिंग देखने को मिल रहा है ठीक है होता क्या है ये वेव टाइप जो रिंग है आपको देखने को मिल रहा है यहां पे नंबर ऑफ प्रेजेंट पैनकाइमिटर सेल्स और पेरीसाइकल की जो सेल्स है।, है वो सेल्स मॉडिफाइड होकर के इस पूरी कंप्लीट एक वेवी रिंग की फॉर्मेशन करती है और दिस वेवी रिंग इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम किसकी तरह कंसिडर होता है ये ये एक वेवी रिंग जो आपको देखने को मिल रहा है ये कंसिडर होता है एज एन वेस्कुलर कैम्बियम ठीक है अब होगा क्या इसकी आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है आउटर साइड के अंदर ऐसे सोच सकते हैं आप किसी के अंदर जिसको इन केस ऑफ रूट एपिब्लेमा बोलते हैं एपिडर्मिस ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप के अंदर इसके अंदर क्या होगा सेकेंड स्टेप के अंदर आप अच्छे से एनालाइज करें वही पूरा कंप्लीट एंडोडर्मिस आपको देखने को मिल रहा है एंडोडर्मिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स एक रफ आइडिया दे दिया आपको नंबर ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और जो ये वेवी रिंग जो बना था ये वेवी रिंग धीरे धीरे अब कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा पूरा कंप्लीट सर्कुलर आप कहेंगे सर्कुलर कैसे हो जाएगा सर <coughs> इसके अंदर आउटर साइड के अंदर जो यहाँ पे प्रेजेंट इसका फ्लोएम टिश्यू था वो तो आउटर साइड के अंदर जो प्रेजेंट इसका जाइलम टिश्यू था वो कहाँ आ जाएगा जस्ट इसकी इनर साइड के अंदर एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं प्रॉपर इस तरीके से नहीं होता ये अभी आप डायग्राम के अंदर एनालाइज करेंगे कि प्रॉपर एक किस तरीके से आपको देखने को मिलता है दिख रहा है आपको ये जो वेवी रिंग बना था इसमें प्रेशर बाहर की तरफ जैसे ही ये बाहर की तरफ जो एक्सपेंड करेगा एक्सपेंड करते ही फ्लोएम टिश्यूज जो इसके अंदर बाहर की तरफ होंगे और जाइल इसके जाइलम टिश्यूज कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको इनर साइड के अंदर देखने को मिल रहे हैं और एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है जर, जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इसके अंदर ये रिंग कैसा हो जाता है सर्कुलर कैसा हो जाएगा सर्कुलर और जैसे ही सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन होती है सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर वही वेस्कुलर एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से इनर साइड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ फ्लोएम इनर सॉरी इनर साइड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ जाइलम सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है इनर साइड के अंदर जाइलम की फॉर्मेशन और आउटर साइड के अंदर आपको जस्ट जो इसकी वेस्कुलर कैम्बियम है उसके साथ अटैच लेयर्स देखने को मिलती हैं किसकी सेकेंडरी फ्लोएम की तो ये आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा मेडुलरी रेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो जनरल आपको बता दिए आप कहेंगे सर नहीं समझ आया नहीं समझ आया तो मैं यहां पे इसको रिमार्क कर देता हूं ये क्या है इसका सेकेंडरी फ्लोएम क्या है सेकेंडरी फ्लोएम जो आउटर साइड के अंदर ये प्रेजेंट है क्या है इसका प्राइमरी फ्लोएम क्या है प्राइमरी फ्लोएम उसके अलावा इनर साइड के अंदर ये किसको डिनोट करता है ये डिनोट करता है इसके प्राइमरी जाइलम को डिनोट करता है और जस्ट जो इसकी वेस्कुलर कैम्बियम के पास है ये क्या है इसका सेकेंडरी जाइलम आपको देखने को मिल रहा है आपकी एनसीईआरटी ने तो इसको फोर स्टेप के अंदर बताया है मैंने इसको सिंगल टू स्टेप के अंदर बता दिया ताकि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए ये क्या है इसका वेस्कुलर कैम्बियम को डिनोट करता है क्या है वेस्कुलर कैम्बियम को ये डिनोट करता है ठीक ठीक है यहां तक आपको पता होना चाहिए और सबसे आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है सबसे आउटर साइड के अंदर इसके अंदर इसकी एपिडर्मिस तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे अब देखिए जो आपकी एनसीआरटी डिफाइन करती है एनसीआरटी का ओरिजिनल डायग्राम क्या है ठीक है एनालाइज करें इस डायग्राम को सबसे पहले इनर साइड के अंदर जो आपको सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल कंडीशन के अंदर आउटर साइड के अंदर के है, एपिडर्मिस कोटेक्स प्राइमरी फ्लोएम जो यहां पे आपको देखने को मिलता है कैम्बियल रिंग एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड प्रोटोजाइलम आप कहेंगे सर पेरिसाइकल कहाँ आ गया है यहाँ पर पेरिसाइकल जो एरिया है जहाँ पर ये वेवी रिंग की फॉर्मेशन हो रही है ये पूरा कंप्लीट अगर रिंग आप अच्छे से देखें ये पूरा कंप्लीट रिंग अगर आपको देखने को मिल रहा है इस रिंग को आप अच्छे से एनालाइज कर लें ये वेवी रिंग जो आपको देखने को मिल रहा है फिर फर्दर बाहर की तरफ एक्सपेंड होकर के कॉन्टीन्यूशन के अंदर किसकी फॉर्मेशन कर लेता है एक सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन करता है किसकी फॉर्मेशन करता है एक सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन करता है ये जो सर्कुलर रिंग आपको देखने को मिल रहा है जो मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूँ ये सर्कुलर रिंग किसको डिनोट करता है ये सर्कुलर रिंग बताता है इसके वेस्कुलर कैम्बियम को ये जो सर्कुलर रिंग है ये किसको डिनोट कर रहा है इसके वेस्कुलर कैम्बियम को ठीक है और इसकी आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा जस्ट इसकी आउटर साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी फ्लोएम और जस्ट इसकी इनर साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी जाइलम और टुवर्ड्स द पिथ क्या देखने को मिल रहा है आपको प्राइमरी जाइलम टूवर्ड्स आपको क्या देखने को मिल रहा है प्राइमरी जाइलम रफली एक आइडिया दे दिया आपको ओवरऑल हो क्या रहा है अगर ओवरऑल ओवरऑल आप इसकी स्टडी करें तो यही डायग्राम आपके सामने है कि एक वेवी रिंग बनता है वेवी रिंग के बाद एक के अंदर सर्कुलर रिंग बनता है सर्कुलर रिंग की जस्ट इनर साइड के अंदर सेकेंडरी जाइलम और आउटर साइड के अंदर आपको सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है यही सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ रूट इन डाइकोट रूट ठीक है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर केम्बियम

देखिए इन डाइकोट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजन आपको बताता हूं नीट एग्जाम के अंदर टू टू थ्री टाइम्स जो है ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है सेकेंड नंबर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल एंड अब द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवियरिंग द लेटर बिकम सर्कुलर पहले वेविरिंग की फॉर्मेशन होगी बाद में क्या हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर ऑफ दोज इन डाइकोटिलिडोन स्टेम डाइकोटिलिडो स्टेम के अंदर जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन द स्टेम एंड रूट ऑफ जिमनोस्टम्स हाउ एवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलिडोस एंड इन आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा पूरे चैप्टर के अंदर वन बाय वन जो है आ, काफी सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए यहाँ आपका कंप्लीट होता है सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट सेकेंडरी ग्रोथ इन शूट पूरा कंप्लीट आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया है इसके अलावा कोर कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है वो भी आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया है अब लास्ट इसके अंदर रहता है जो एक मेन टॉपिक आपकी एन का ही है जिसके अंदर आपको डिस्कस अपनों को डिस्कस करना है वुड के बारे में किसके बारे में वुड के बारे में आप कहेंगे सर वुड के बारे में क्या डिस्कस करना है <coughs> देखिए आप ये टॉपिक अपने पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर होगा वो आपका बट स्टिल कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एक वर्ड बोल रहा हूं मैं वुड वुड वर्ड बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए ओनली सेकेंडरी जाइलम ना सेकेंडरी फ्लोएम ना उसके अलावा अदर कोई पार्ट वुड जब बोला जाता है तो आपके माइंड में आना चाहिए सेकेंडरी जैलम हाँ वुड के टाइप अलग अलग हो सकते हैं सॉफ्ट वुड हो सकती है हार्ड वुड हो सकती है हर्ट वुड हो सकती है सैप वुड हो सकती है मोनोजाइलिक हो सकती है पिकनोजाइलिक हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वुड इन द ऑन द प्रेजेंस ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स जाइलरी एलिमेंट्स लाइक किसी में जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं किसी में जाइलम वेसल्स नैरोर होती हैं किसी में जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो ब्रोड होती हैं किसकी फॉर्मेशन अर्ली होती है अर्ली मतलब जल्दी फॉर्मेशन होती है किसकी फॉर्मेशन लेट होती है तो अर्ली वुड एंड लेट वुड ऐसा कौन सा सेकेंडरी जयलम है जो स्प्रिंग सीजन के अंदर फर्दर डेवलप हो रहा है ऐसा कौन सा सेकेंडरी जैलम है जो फर्दर ऑटम uh, सीजन के अंदर जो है फर्दर डेवलप हो रहा है तो विंटर सीजन समर सीजन इन सभी के अंदर बनने वाले जो सेकेंडरी ज़ाइलम्स हैं उन जाइलम्स के बेसिस पे प्लांट की जो आ... एज है वो भी डिनोट की जाती है तो सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए सेकेंडरी जाइलम ही पूरे कंप्लीट वुड को डिनोट करता है चाहे वो जिम्नोस्पमिक प्लांट हो या फिर एंजोस्पमिक प्लांट हो वुड जो होती है वो आपको जिम्नोस्पमिक प्लांट से भी मिलती है और एंजियोस्मिक प्लांट से भी मिलती है क्यों क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर देखने को मिलती है तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे ओके थैंक यू इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो अब आपके पास थर्टी सेकेंड्स हैं वन बाय वन अपने डाउट्स जो हैं वो आप ड्रॉप करें जैसे वेस्कुलर कैम्बियम में इनर साइड की एक्टिविटी ज्यादा होती है वैसे क्या यहाँ भी इनर साइड की नहीं ऐसा नहीं होता है वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो इनर साइड की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे प्रॉपरली सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है आउटर साइड और इनर साइड के अंदर <coughs> <laughs> इंटरनल टिश्यू इंटरनल टिश्यू का मीनिंग इंटरनल टिश्यू किस सेंस के अंदर आप बात कर रहे हैं किस इंटरनल टिश्यू की आप बात कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको जो आंसर दिया जा सकता है नेक्स्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द कोर कैम्बियम देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ प्राइमरी कोटेक्स नहीं प्राइमरी कोटेक्स की कोई दो लेयर की फॉर्मेशन नहीं होती है शालू गुप्ता सुने आप सर इन सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ़ कोर कैम्बियम देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ प्राइमरी कोटेक्स नहीं प्राइमरी कोटेक्स की टू लेयर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है अच्छे से आप देख लें इसको ये पॉइंट क्लियर कर लें क्या है देखिए जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक कोर कैम्बियम से बाहर की तरफ और इनर साइड के अंदर जो लेयर बन रही है वो सेकेंडरी सेल्स की लेयर होती है इस सेकेंडरी सेल्स की लेयर्स पेरन क्लाइमेटर्स इन नेचर होती है कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन कोटेस के अंदर प्रेजेंट सेल से होती है आपकी एनसीआरटी के अकॉर्डिंग यही आपको मान के चलना है कुछ एक बुक्स जो है हाइपोड्रम्स को भी कंसिडर करती है बट आपको तो कोर्टिकल रीजन एंड कोटेक्स की सेल्स पैरक्राइमेटर सेल्स मान के चलनी है यहाँ पे क्या होता है कोर कैम्बियम फर्दर किसकी फॉर्मेशन कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन पैरकाइमेटर सेल से होती है बाहर भी एक्टिविटी होती है इनर साइड में भी एक्टिविटी होती है जो सेल्स बाहर की तरफ बनती है वो भी सेकेंडरी कोटेस है इनर साइड के अंदर बन रही है वो भी सेकेंडरी कोटेक्स है बट प्रॉब्लम क्या है जो बाहर की तरफ सेल्स बनती है उन सेल्स के अंदर सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से ये कैसी हो जाती है ये हार्ड हो जाती है और किसी भी तरीके से कोई आउटर साइड से आने वाले वाटर को या फिर माइक्रोब्स वगैरह को एंट्री नहीं देती है दिस इज कंसिडर एज एन कॉर्क कोर् मोडिफाइड पैनकाइमिटर सेल्स ही हैं जो कोर कैम्बियम से बाहर की तरफ बनती है और जो कोर कैम्बियम से इनर साइड के अंदर बनेगी दैट इज कंसिडर एज एन सेकेंडरी कोटेक्स बट कोर कैम्बियम से जो बाहर बनी है उसके बाहर भी तो कोटेक्स की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है दैट इज कंसिडर एज एन प्राइमरी कोटेक्स कभी भी प्राइमरी कोटेक्स जो है कोर कैम्बियम की एक्टिविटी से नहीं बनता है प्राइमरी कोटेक्स तो पहले से ही प्रेजेंट है उस प्राइमरी कोटेक्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स मॉडिफाइड होकर के कोर कैम्बियम बनाती है और इस कोर कैम्बियम से जो सेल्स बनेगी बाहर की तरफ और इनर इनर साइड के अंदर बाहर वाली भी सेकेंडरी कोटेक्स ही होती है बट प्रॉब्लम यह है कि वो मॉडिफाइड हो जाती है इनर साइड वाली सेकेंडरी कोटेक्स की तरह स्टिल रिमेन रहती है और आउटर साइड वाली जो सेल्स होती है उनके अंदर सुबर इन डिपोजिशन की वजह से वो चेंज हो जाती है तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा फिर फर्दर इसी वजह से मैंने आपको लिखवाया था देखिए आप कि जस्ट मैं इसके बाद अब यहां पे बात करता हूं तो आउटो साइड कोर के बाहर प्राइमरी कोर के कोर कैम्बियम के इनर साइड अंदर सेकेंडरी कोटेक्स और इसके बाहर जो सेल्स सा, है वो कोर की तरह डिनोट हो रही है इनर साइड में प्राइमरी कॉन्टेक्स फिर एंडोडर्मिस और पूरा कंप्लीट ये इंट्रस्ट्रियलर रीजन के अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ तो आई थिंक यहां तक आपको जो है बहुत तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट <coughs> इसके बाद सर इन एनसीईआरटी इट इज रिटर्न दैट इन द क्रशिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोयम ओनली द एक्यूमुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल सर प्लीज एक्सप्लेन दिस लाइन सीधी सी बात है आप सोचें कि जस्ट इनर साइड के अंदर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर चुका हूं बट स्टिल आप देख लीजिए अब देखिए इनर साइड के अंदर यहां पर सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन हो रही है सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन हो रही है अब सेकेंडरी जाइलम इनर साइड के अंदर बन रहा है और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है तो सेकेंडरी जाइलम इनर साइड के अंदर एक्यूमलेट होता जा रहा है फॉर्मेशन हो रही है अक्यूमलेट होता जा रहा है इसके रप्चर होने का कोई डर है ही नहीं इनर साइड के अंदर आकर के वो आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सेकेंडरी जाइलम जो है रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं बट इस वजह से जो विड इंक्रीज हो रही है विद्द इंक्रीज होने की वजह से बाहर की तरफ एक प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की वजह से सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बाहर तक पहुंच जाता है उससे प्रिवेंट करने के लिए ही तो यहाँ पे कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जो फ्लोएम के लेयर्स हैं वो लेयर्स बाहर की तरफ आपको देखने को मिलती है क्यों क्योंकि इन साइड के अंदर जब सेकेंडरी जाइलम एक्यूमलेट हो रहा है तो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है और इस प्रेशर की वजह से, से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करता है पैरिफ्री की तरफ और इवन वो रपच्चर भी हो सकता है इसी वजह से आपके सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के टिल आउटर लेयर तक क्या बोला गया है बार्क कोई फिक्स एरिया नहीं है कि बार कहां तक होगी सेकेंडरी फ्लोएम से आउट साइड का जितना भी रीजन है चाहे वो इंट्रास्टिलर वाली ग्रोथ की वजह से हो या फिर की वाली ग्रोथ की वजह से हो दोनों कंडीशन के अंदर मैंने आपको यहां पर डिनोट करके बताया था कि किसकी तरह कंसिडर होगा ये एज एन बार्क की तरह, in, बार की तरह चाहे वो आपको सेकेंडरी फ्लोएम यहां पर देखने को मिले सिर्फ इंट्रास्ट्रिलर ग्रोथ के अंदर चाहे इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों के अंदर देखने को मिले सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का एरिया क्या है बार्क की तरह कंसीडर होगा तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा कृतिका नेक्स्ट नेहल नेहल का ये डाउट था नेक्स्ट सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटा वाई इन कैम्बियम रिमेनिंग लेयर्स इज रिटर्न वाई इन लेयर्स लेयर्स इन रिटर्न यस yes, रह सकती हैं ऐसा ऐसा सच देखो सिंगल लेयर तो होती नहीं है कोर कोरकेमियम की मल्टीलेयर्ड है और आउटर साइड के अंदर भी इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनर साइड के अंदर भी देखने को मिल रही है तो दोनों तरफ किसकी फॉर्मेशन करता है ये नंबर ऑफ लेयर्स की फॉर्मेशन करता है जो पैरानकाइमेटर सेल्स होती है अनिल कुमार सर कैम्बियम की फॉर्मेशन के टाइम फ्लोयम फाइलम नहीं है वो फ्लोयम है फ्लोएम सेल्स फ्लोयम सेल्स डेड फॉर्म में होते हैं या वो भी कैम्बियम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं आप सोचें क्या आप यहां पर कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन जब होती है उस समय फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बाद एक लेयर प्राइमरी कोटेक्स के उसके बाद एक लेयर एंडोडर्मिस की फिर आपका जो है सेकेंडरी फ्लोएम आता है तो सेकेंडरी फ्लोएम का डायरेक्ट कोई कोर कैम्बियम से लेना देना है ही नहीं कुछ डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत है पहली बात तो कि किसी भी तरीके से कोर कैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम का इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कोर कैम्बियम जब फॉर्म होता है तो वहां पर कोटेक्स रीजन की प्रेजेंट जो सेल्स होती है वो दोबारा से मेडिसमेटिक जो एक्टिविटी

इवोल्यूशन इरा केंद्र में पहले डायकोट प्लांट्स आते हैं और फिर उनमें ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोनोकोट्स में ऐसा क्यों नहीं होता इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें डाइकोट्स प्लांट जो होते हैं देखो ये डिपेंड करता है प्लांट एनुअल है पेरिनियल है या फिर बाइनियल है ये सारी टर्म्स आप जो वन जब आपको मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाऊंगा वहां पर भी आएगा और ट्वेल्थ की जो आपकी एनसीआर टी जिसमें चैप्टर नंबर सेवन इवोल्यूशन जो आपका चैप्टर है उस इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर सेवन जो फिगर दिया हो नाइन सेवन पॉइंट नाइन फिगर को जो आप जाकर देखें तो पूरा कंप्लीट जो इसको डिफाइन किया हुआ है कि पहले नेचर के अंदर डाइकोट्स आए थे फिर मोनोकोट्स आए थे डाइकोट्स मोड मोस्ट मोस्ट पूरा कंप्लीट अपना जितना भी उसकी आ, ये बोल सकते हो लाइफ स्पैन के अंदर आने वाली स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं और फ्रूट देकर के फर्दर डाई हो जाते हैं बट डाइकोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता डाइकोट्स के अंदर लंबे टाइम लंबे तक वो प्रोसेस रह सकते हैं <coughs> ठीक है इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वन बाय वन वो सब पूरे कंप्लीट डाउट्स जो हैं आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ड्रॉप करें आज के लिए इतना ही ओके थैंक यू